बचपन में मैं पिताजी का बहुत बड़ा लाडला था और मुझे पिताजी बोलते हैं कि मैं बोले हाँ, ये पेट के अंदर एक बड़ी जैकेट होती थी और पिताजी मेरे को उसके अंदर सुलाते थे। पिताजी दाढ़ी नहीं, मेरी दाढ़ी आ रखी। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। तो दोस्तों पहले मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम तो बिल्कुल काला हो रखा है और जैसे वेदर रिपोर्ट में दिखा रखा था तो उसी हिसाब से आज चल रहा है। और सामने थोड़ा बहुत खुल रहा है लेकिन इधर साइड पूरा काला है और सुबह थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। कि आपको पता है जब से पिताजी आए हैं तब से हमारी फैमिली में एक अलग ही जोश उमड़ पड़ा है और एक कॉमेडी के साथ साथ हम अपने ब्लॉग को और अच्छे ढंग से एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या हो रहा है अभी। और यहाँ पर मम्मी, अरे पापा ने ला दी है, अरे वाह, यहाँ मम्मी ने ला दी चाय और ये है चाय और यहाँ पर वाह, अरे वाह, ये तो बेकरी वाला, इसको तो हम बहुत खाते थे बचपन में। और अनीता भी उठ गई। चलिए चाय पी लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोग्राम देखते हैं। खा लो, सब खा लो। तो अभी सुबह हो रही है, 6 बज रही है अभी। ए बाबा, मम्मी भी खुश हो रही है आजकल। ए बाबा, ये देखो, देखो मौसम तो काफी ठंडा हो गया, चाय हमने पी ली है लेकिन मन कर रहा है और चाय पिए। एकदम ठंडा हो गया मौसम। और भाई साहब की बात करें तो यहाँ पर बैठ रखे हैं और अरे वाह, पंजा, अरे बहुत बड़ा शाबाश, तेरे साथ प्यार करना है तो ओवर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। धूप आ गई है और मौसम जैसे काला था उसी हिसाब से पूरा सफ़ेद हो गया, तो चलो अच्छी बात है। तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं पिताजी बैठ रहे हैं और पिताजी के साथ हमारे जो गांव के प्रधान हैं वो भी बैठ रखे हैं, तो चाय पी रहे हैं, थोड़ा गप्पे सप्पे लग रही है, लग रही है गप्पे। यहाँ छाँव में आज उनके बाल झड़ रहे हैं क्योंकि गर्मी से बाल झड़ रहे हैं, इसीलिए उनको नहलाना पड़ता है डेली। और इधर की बात करें तो सपना और मधुली भी आराम कर रहे हैं अपना, फर्स्ट क्लास, खा खा के एकदम पिल पड़ रखे हैं। और मम्मी को तो काफ़ी काम करना पड़ता है यहाँ। मम्मी आज पहले गोबर निकाल रही है, इसके बाद ऊपर कमंद में जाएगी क्योंकि वहाँ शादी है कल। मुँह धुल देता हूँ और उसके बाद जो काम है उसको करता हूँ, आज देखते हैं क्या क्या काम होते हैं। तो पहले मुँह धुलते हैं उसके बाद की आगे की ब्लॉगिंग होगी। तो मैं रेडी हो गया हूँ और यहाँ पर पिताजी हैं। पिताजी नहाए अभी? हेलो, अभी कहाँ, अभी तो ठंड है बाहर जो है। अब लगाओ, अब मई का महीना चल रहा है और पिताजी ने पानी गर्म करने लिए लगा रखा है यहाँ क्योंकि पहाड़ों में बहुत ठंड है। सही में ये बात की जाए तो मम्मी ने आज सर पे लगा रखी है मेहंदी क्योंकि कल है शादी, तो शादी की तैयारी में मम्मी भी पूरी तैयार हो रही। नहीं मम्मी, यहाँ क्या है, अरे वो दही को मिलाया जा रहा है। सही है, सही है, पिताजी नहा जाएंगे उसके बाद आता हूँ मैं। पिताजी मैं जा रहा हूँ अभी, है ओके, तब आगे मैं। चलिए चलते हैं थोड़ा गाँव की तरफ और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अरे यहाँ पानी जमा हो रखा, क्या बैठी हुई क्या हो? अच्छा नाज, नाज क्या बोन ले आना, ठीक 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 ठीक। बीज नाज भी बो रहे हैं, जो रुपए का बीज होता है उसको भी बो रहे हैं अभी बिने में। कुछ कुछ लोगों ने बो दिया, कुछ ने अभी रह रखा है, तो प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ देखो, यहाँ अभी गीला हो रखा है क्योंकि बारिश ठीक ठाक हुई कल। हाँ, बच्चे खेल रहे हैं पिठाग्राम। यह है पहाड़ की रौनक। कौन है ये बुढ़ी? इधर जल्दी जल्दी, मैं जा रहा, बाय बाय, मैं गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये काटते हैं, इनका डंक बड़ा खतरनाक होता है। ततैया है वाले, ततैया, हम तो चिमेड़े बोलते हैं इनको गढ़वाली में। काम मुझे दिया गया है, या तो इनको भगाओ, भगाएंगे, भागेंगे तो है नहीं, मेरे को पता है। और यहाँ भी इनको रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, वो खेलते हैं और एक दो बार बच भी गए बाल बाल जब मैं देख रहा था अभी। तो आज इनको कुर्बान करना पड़ेगा, भागेंगे नहीं यहाँ से हमें पता है क्योंकि वो फिर वहीं आएंगे। तो आज भाई साहब ने मेरे पास दे रखी, भाई साहब ने जिम्मेदारी मेरे पास दे रखी कि इनका जो भी है इनको कर, यहाँ से इनका कमरा खाली करा। तो मैं इनका कमरा खाली कराता हूँ पहले यहाँ से, या तो आज ये मेरे को खाएंगे या मैं इनको खा लेता हूँ आज। ये हो गया अब तैयारी और मैं डर भी रहा हूँ भाई, ये बना दे हमने मसाल पर, चलो जला दे दूर ले जब पकड़ दे पर। हो गया है ये, कर दिया हमने ठंडा। मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ और यहाँ आता हूँ तो खाना खा के जरूर जाता हूँ, ये छोड़ते नहीं मुझे तब तक जब तक खा के ना जाऊँ। ये अंश दिख रहा है, ये चटनी पुदीने की और यहाँ पर खीरा भी काट दिया है और ये देखो अभी ये परांठा और ये है
अंश का खाना। क्या है? चटनी। ठीक है आओ। रोटी लगेगी। अभी मत चल, रुको अभी लगाए नहीं, बच गया। पहले यहाँ थोड़ा पितर को चढ़ाया जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया और स्वाद के साथ साथ तो इतना खा लिया आज की। आहा, हिला ही नहीं जा रहा है शरीर, हिल ही नहीं रहा ज़्यादा। खाने के बाद मुझे यहाँ नींद पड़ गई थी और अभी मैं उठ रहा हूँ और अभी समय हो रहा है 12 बजे। घर चलता हूँ, डांट खाता हूँ नहीं तो पिताजी। ऐसा मुझे तो नींद भी लग रही है और मैं नींद के बस में चल रहा हूँ सीधे अभी गाँव के बीच में। कई बार धक्के भी लगे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं घर जा रहा हूँ। ऐसे भी होता कई बार जब आपको गहरी नींद हो अचानक छाप उठ जाए तो फिर आप धक्के खा खा के जाते हैं। यहाँ पे बैठ रखे हैं और अरे गबू डॉन कैसा है अब? ठीक है क्या खा रहा? ठीक है ना, टन है एकदम। भाई घर तो मैं आ गया हूँ, इन्होंने खाना खाया नहीं, मैं तो वहाँ से खा के आ गया। देखिए आप भाई साहब फर्स्ट क्लास सो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं इनको। और पिताजी भी यहाँ लगे मोबाइल पे, पिताजी एकदम नहा के रेडी हो रखे हैं। हाँ ये क्या देख रहे हैं आप मोबाइल पे? और बिल्कुल नहा गए, मम्मी चले गए? अरे भाई क्या खाना भी खाया और वही नींद आ गई थी मेरे को। 264 4 घंटे में 264 मेरे को नींद आ गई थी पिताजी वही। बचपन में मैं पिताजी का बहुत बड़ा लाडला था और मुझे पिताजी बोलते हैं कि मैं बोली हाँ, ये पेट के अंदर एक बड़ी जैकेट होती थी और पिताजी मेरे को उसके अंदर सुलाते थे। ऐसी ऐसी स्टोरी है। पहले मैं बहुत कमजोर था ना, छोटा सा। ये तो अब तो बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया, खराब बूढ़ा हो गया। तो पिताजी दाढ़ी नहीं, मेरी दाढ़ी आ रखी है। तो ऐसा सा है। चलिए थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मेरे को नींद आ रही है अभी भी। मैं इसलिए आई कि कहीं पिताजी डांट ना दे, इसलिए मैं जल्दी उठ गया था। वहाँ खाना तो मैंने वहाँ खा लिया था। खाना मैंने वहीं खा लिया। फिर यहाँ? अरे यहाँ तो जबरदस्त खिलाया भाई ने मेरे साथ, खाने वाला अकेला हूँ मैं। अच्छा, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और मौसम अभी ठंडा है और पिताजी खा रहे खाना और इधर खाना खाया जा रहा है। मम्मी तो जा रहे की ऊपर कमाज और छोटी बहन और पिताजी खा रहे खाना। मैंने खाओ आप। और खाने के साथ बना रखी है घर की चटनी जो कि पुदीने की है और यहाँ पर रखा हुआ है नमक, नमक जो भी कम होगा। और आज बना रखी है स्पेशल कड़ी, खाऊँगा मैं तो खा के आ रखा हूँ भाई के यहाँ से। और मुझे तो खैर आराम करने की जरूरत है अभी क्योंकि मैंने इतना खा रखा है कि हिलने का मन नहीं कर रहा है भाई। तो चलिए समय हो रहा है लगभग 2 बज रही है और यहाँ आप एक ही आ रखा और ये जा रही है आज कपड़े लेने, कल शादी है, आज शॉपिंग कर रही है। क्या क्या लाई आज? क्या क्या लिया? कपड़े। कपड़े। शेर को जलस हो रही कि ये लग रहा है ये पिताजी को भी वो कर रहे हैं। देखो यार हाँ मौसम इतना खराब हो रहा है कि अब मन कर रहा है कि थोड़ा चाय बनाई जाए। तो अनिता को तो बोल दिया मैंने कि चाय बना दे क्योंकि आज वो कपड़े ला रही तो पार्टी तो बनती है। बना रही चाय? हैं? हाँ लगा तो दी इसने चाय यहाँ गैस के ऊपर। तो भाई साहब चाय भी आ गई है लेकिन चाय है फीकी, पर चलिए फीकी चाय भी मिल रही तो अच्छी बात है क्योंकि मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है। हाँ तब तक मैं चाय पी रहा हूँ, तब तक भाभी जी पर नज़र पड़ गई और भाभी जी को पूछते हैं चाय पियोगे आप? हाँ जी भाभी जी, अरे चाय पीने आ जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ, बारिश होती है अब। शुरू शुरू में तो काफ़ी अटपटा लगता था कि किसको कैमरे पे किसके साथ बात करूँ, लेकिन यार अब नहीं, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो अब कोई शर्म नहीं। अब एक तरफ से समझो कि हम बेशरम बन चुके हैं अब। साहब यहाँ मौसम एकदम काला हो गया और यहाँ मम्मी ने गेहूँ रखे हुए थे, मुझे पता ही नहीं। सिस्टर जा रखी है मार्केट कपड़े लेने, हो यहाँ कोई है नहीं। मम्मी जा रखी कमद, तो मुझे जल्द जल्द करना पड़ेगा, मुझे ये सारा अंदर रखना है। ये सारा यहाँ तक था, इसको मैं धीरे धीरे अभी अंदर ले जा रहा हूँ और पूरा वहीं पर इकट्ठा करूँ क्योंकि जगह तो है नहीं। इसका भी यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, ये नीचे सारा फैल रखा था और इसको मैंने अभी इकट्ठा कर दिया। और भयंकर बारिश होने वाली है आज क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है आसमान से। यहाँ पे बिखरा हुआ था तो मैंने इसको लाइन बाय से यहाँ पे खड़ा कर दिया और मैंने सिस्टर को बोल दिया है कि तिरपाल लेके आ, तो उस तिरपाल लाएगी। और थोड़ा यहाँ भी रह गया, इसको भी अभी अंदर पूरा फैला हुआ था, इसको मैंने अंदर घुसा दिया तो थोड़ा बहुत और डालेंगे उसको अभी अंदर। और मौसम आप देख सकते हैं क्या हो गया, एकदम काला हो गया है और ऊपर से खतरनाक बादल गड़ग रहे हैं। इसको तिरपाल फाइनली मिल गया, मम्मी ने पता नहीं सामान इधर उधर रहता रखा हुआ और ये ला रही है तिरपाल। अब इसके ऊपर डालते हैं तिरपाल ताकि इस पर पानी ना लगे। कल भी ये सड़ गया था क्योंकि कल मम्मी ने ऐसे रखा था, मम्मी जा रही थी कहीं और वो पूरा भीग गया था यहाँ, लेकिन आज सूख गया, अगर फिर से पानी गिर गया तो सड़ जाएगा पूरा।
फाइनली बारिश लगना स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश इंतजार ही कर रही थी कि सामान अंदर रखे और उसके बाद में बरसना स्टार्ट हो जाऊँ। सच में ऊपर वाला सबके साथ होता है। जैसे हमने पूरा सामान किया, जस्ट एक मिनट बाद सीधे बारिश लगना स्टार्ट हो गई। तो मैं भी यहाँ से चलता हूँ और आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ मैंने यहाँ तिरपाल से इसको पूरी तरीके से ढक दिया है। अच्छी बात है, हमने निपटा दिया। और मेरे जल्दीबाजी में मैं होपलेस हो गया था और मेरा पाँव भी लग गया था वहाँ जब मैं छत के ऊपर जा रहा था। फिर मैंने सिस्टर को बुलाया, सिस्टर भी आ गई थी तब तक। लेकिन चलो, भगवान ने इज्जत बचा ली, नहीं तो बेइज्जती हो जाती और फिर ऊपर से नुकसान भी हो जाता। ये पिताजी भी आ गए मार्केट से और बारिश रुक गई, उसके बाद आए हैं। देखो यहाँ शेरू क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कई साल बाद मिला हो। पर मुझे भी जाना है मार्केट, थोड़ा दाढ़ी बाल बनाऊंगा क्योंकि कल जाना है शादी में और कल मंगल स्नान भी है। तो थोड़ा दाढ़ी बाल बना देता हूँ, उसके बाद घर आऊँगा, फिर स्नान करूँगा तब जाके। अभी मम्मी लोग आए नहीं, बारिश भी हो रही लेकिन टाइम भी बहुत हो गया, पर अभी तक नहीं आयो। मम्मी भी आ गई, माँ जी प्रणाम। कौन लगी हाँ, और बाइक भी आ गई है। और यहाँ शेरू को काफ़ी याद आ रही थी मम्मी की। ए बाबा काफ़ी ज़्यादा याद। ये पागल हो गया पूरा, इसने देखो यहाँ पूरी वो मठा थी वो सारी गिरा दी। ये देखो यहाँ इसकी हरकत गिरा दी इसने। तो अभी मैं यहाँ आ गया हूँ इरफान भाई के यहाँ और थोड़ा दाढ़ी बाल सेट कर देता हूँ क्योंकि कल मैंने जाना शादी में, और शादी में ऐसा लगता है जैसे हर कोई मेरे पे ही देख रहा है, हर किसी को लगता है ऐसी। तो मैंने इरफान भाई को बोला थोड़ा हीरो बना दिया यार, जरा बुढ़े हो गए यार हम भी। तो यार मैं बाजार से घर आ गया और मैं दाढ़ी बाल बना दी है, पानी मैंने नहाने के लिए लगा दिया क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए पानी गर्म करना पड़ रहा है। और पिताजी यहाँ सब्जी काट रहे हैं। चलो आज के ब्लॉग को यही पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहाड़ी भाई पिलोचा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देवभूमि उत्तराखंड।